अयोध्या में रामपथ चौड़ीकरण में प्रभावित हो रहे व्यापारियों और दुकानदारों ने उचित मुआवजा न मिलने पर सोमवार को दूसरे दिन भी अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और विरोध जताया। व्यापारियों का आरोप है कि रामपथ पर जिला प्रशासन मनमानी कर रहा है, उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि जिला प्रशासन जो भी वादा कर रहा है, जब तक वह लिखित रूप से नहीं देता है तब तक उनकी अनिश्चितकालीन बाजार बंदी जारी रहेगी। व्यापारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मांगे ना मानी गई तो सभी व्यापारी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। व्यापारी नेता नंद कुमार गुप्ता ने कहा कि जिस तरह से भक्ति पथ पर मुआवजा दिया गया है, उसी तरह से राम पथ के लिए भी मुआवजा दिया जाए, साथ ही विस्थापन से स्थापन की व्यवस्था कराई जाए। उन्होंने कहा कि सहमति के आधार पर ही योजना बढ़ाएं, ना कि जिस तरह से बिना सहमति के राम गुलेला पर 16 दुकानों को ढहाया गया है, उस तरह की कार्रवाई ना हो। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन रामपथ पर मनमानी पर आपदा है, जिसे व्यापारी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि रविवार को जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में नगर आयुक्तों से वार्ता हुई है और उनके समक्ष अपनी मांगों को रखा, जिस पर नगर आयुक्त ने उच्च अधिकारियों से वार्ता करने की बात कही है। व्यापारी नेता ने कहा कि जिला प्रशासन जो वादा कर रहा है, जब तक वह लिखित रूप से नहीं देता तब तक अनिश्चितकालीन बाजार बंदी जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जिला प्रशासन हमारी मांगों को नहीं मानता है तो नया घाट से लेकर शहादतगंज तक सभी दुकानें बंद होंगी। यदि इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है तो सभी व्यापारी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। प्रशासन द्वारा जो मनमानी की जा रही है अनिश्चितकालीन बंदी के धर्म में, आज दूसरे दिन भी पूरी अयोध्या बंद है। कल शाम को जिस हिसाब से नगर आयुक्त महोदय आए थे, हम लोगों ने अपनी मांगे रखी थी। हम लोगों की जो एक मांग है, जो भी वादा किया गया है उसको निश्चित रूप से दिया जाए, लेकिन नगर आयुक्त महोदय ने कहा हम जिलाधिकारी महोदय कमिश्नर साहब से बात करके आपको अवगत कराएंगे, लिहाजा जब तक हम लोगों को निश्चित आश्वासन नहीं मिलेगा हम लोग ऐसे अनुरोध बंदी जारी रखेंगे। हमारी मांग है जिस हिसाब से भक्ति पथ पर मुआवजा दिया गया उसी हिसाब से राम पथ पर भी मुआवजा दिया जाए, पैसा सुधा जमीनों का मुआवजा दिया जाए, विस्थापित से पहले स्थापित किया जाए, साथ में जो इनका अपना नियम बनाए कि सहमत के आधार पर योजना बढ़ाई जाए तो सहमत के आधार पर योजना बढ़ाए, ना कि राम गुलेला पर जैसे बगैर सहमत के 16 दुकानदारों ढा दिया गया। ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी, एक रिपिया के अनुरूप काम करे। रिपिया से ज्यादा इन्होंने भक्ति पथ पर दुकानें देकर दर्जनों व्यापारियों की दुकान जबरदस्ती उठा दी है, वही सारी नाम पत्र रोशन करना चाहते हैं। इसका विरोध है, जो भी है निश्चित में जब तक जिलाधिकारी महोदय नहीं देंगे हम लोग ऐसे निष्कार मंदिर जारी रहेगी।